तो एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो ये तो आप बता ही दोगे कि कैसे हो, और आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ इवनिंग रूटीन, जो कि मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा था मुझसे कई दिन पहले। तो मॉर्निंग रूटीन तो मैं डाल चुकी हूँ, लेकिन इवनिंग रूटीन अब लेकर आई हूँ। तो मैं बना रही थी सब्जी, जो बनाई है मैंने चाप की। तो इसकी रेसिपी शेयर नहीं कर पाई हूँ आप लोगों के साथ, बट मैंने चाप बनाया था। तो इसकी ग्रेवी है जो कि पहले पकानी है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। उसके बाद मैं तली थी चाप, जो इसमें डाल दी हैं मैंने। इसके बाद मेरी सब्जी बन चुकी है, एंड इधर लगा लिया है मैंने आटा। और समय है करीब 6-7 बजे के करीब। तो इसके बाद मैंने बल्ब बंद कर दिए। इसके बाद मैं जाती हूँ मैं ऊपर। तो अब मैं जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड है वो आएंगे, तब भी मैं रोटियाँ बनाऊँगी, एंड और सारा काम मैंने कर दिया है। तो इसके बाद ऊपर जाके मैं थोड़ा टहल लेती हूँ, और खुला खुला अच्छा लगता है। तो यहाँ आ चुकी हूँ मैं ऊपर। देन तो ये कमरे को दिखा रही थी मैं आप लोगों को, जो कि फैला हुआ है। इसको समाऊंगी संभालने के बाद, फिर उसके बाद में थोड़ा टहलना होगा, जो कि बहुत अच्छा लगता है। शाम को सारे लोग आ जाते हैं, तो वैसे भी अच्छा लगता है छत पर टहलना एंड खुली खुली हवा। तो मैं बाहर का व्यू दिखा रही थी आप लोगों को, हरा हरा बहुत अच्छा लग रहा था, और मौसम बहुत अच्छा था, बादल से हो रहे थे, और बादल होते मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा मौसम। तो गाइस, मेरी वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर। और शायद ये मेरी लास्ट वीडियो है, अब डाल पाऊँ या नहीं डाल पाऊँ, ये कई दिनों से पड़ी थी, तो मैंने सोचा कि डाल ही देती हूँ। और ये है मेरी गुड़िया। तो हम ही आते हैं ऊपर, और नीचे मम्मी पापा हैं, इसीलिए वो नीचे रहते हैं, तो हम ऊपर आ जाते हैं। और यहाँ पर बिछाया था मैंने फोल्डिंग, जो कि फोल्ड करके रख देते हैं इसको, बाहर उछल लेते हैं। देन इसके बाद में कूलर भी लगा लिया था, क्योंकि यहाँ पे बैठ जाएंगे। तो मैं राखी लेकर आई थी, जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी, क्योंकि मुझे जाना है गाँव, इसीलिए मैं लेकर आई थी। देन इसके बाद में मेरी बेटी है, जो उसके लिए मैं राखी बांध रही थी। तो आप लोग देख सकते हो, खेल रही थी ये। देन इसके बाद में आ चुके थे मेरे हस्बैंड, और मैंने कर लिया है खाना तैयार। रोटी बना ली थी, सलाद है, एंड 2 सब्जियां हैं और अचार है। तो यही है हमारा इवनिंग रूटीन। तो आप लोगों को कैसा लगा बताना ज़रूर कमेंट करके। देन मेरी वीडियो को लाइक भी कर देना अच्छा लगे तो, वरना आपकी मर्ज़ी है। देन अब लेकर जाऊंगी मैं रोटियां। तो इधर खा रहे थे हस्बैंड जी रोटी, आप लोग देख सकते हो। देन यहीं पर हो जाता है हमारा ख़त्म इवनिंग। इसके बाद में यह है सुबह की क्लिप, जो कि मैं जाने वाली थी अपने गांव, और मेरा गांव है राजस्थान में। देन मैं हरियाणा में हूँ, आप लोगों को बताया था। तो मैं यहाँ पे तैयार हो रही थी, बहुत जल्दी जल्दी से तैयार हो रही थी, क्योंकि कहीं पे जाते हैं तो बहुत जल्दी होती है जाने की, तैयार होने की। तो मैंने थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगाया था। देन इसके बाद में लगाया था मैंने, क्या कहते हैं, फाउंडेशन। एंड इसके बाद में फाउंडेशन लगा के अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। तो इसके बाद में मैंने थोड़ा थोड़ा सेट किया था आई शेडो पैलेट से लूज़ पाउडर लेकर, जिससे कि अच्छा लगे, थोड़ा सेट हो जाए, क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो पसीना वगैरह आता रहता है। देन इसके बाद में मैं सेट कर लूँगी अच्छे से। थोड़ा थोड़ा ही करते हैं, तो गाँव जाते हैं तो ज़्यादा मेकअप वगैरह भी नहीं करते हैं, एकदम हल्का सा करते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैं बात कर रही थी, मेरे हस्बैंड आ चुके थे, इसीलिए वो बोल रहे थे जल्दी कर। तो आइस पे लगाया है पिंक कलर, एकदम हल्का वाला, क्योंकि मैंने गोल्डन सूट पहना है तो मुझे पिंक बहुत पसंद है, बहुत हल्का वाला लगाया है। देन इसके बाद में थोड़ा थोड़ा हाइलाइटर लगा लूँगी। तो थोड़ा थोड़ा हाइलाइट लगाए थे, इसके बाद में काजल और आईलाइनर लगाना है मुझे। तो वैसे आशा करती हूँ कि आप लोग
मेरी इस वीडियो को भी बहुत प्यार दोगे, एकदम भर भर के कमेंट करोगे, लाइक करोगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि पहला जो मैंने व्लॉग डाला था उसमें भी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था, उसके लिए थैंक यू एंड सो मच। तो आशा करती हूँ अभी भी आप लोग बहुत पसंद करोगे। हम इसके बाद मैंने ब्लू हेवन का आईलाइनर लिया था, तो जल्दी जल्दी में जो हो पाया वही किया है, ज़्यादा नहीं किया है, क्योंकि कहीं जाते हैं तो बहुत जल्दी होती है जाने की, एंड बच्चा भी है तो उसको भी संभालना पड़ता है, तैयार वगैरह करना पड़ता है, फिर भी लेट हो जाते हैं। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, तीसरी बार कह रही हूँ लाइक कर दो प्लीज़। एंड क्या बोल रही थी मैं, भूल ही गई। देन इसके बाद में लिया है मैंने लिपस्टिक, जो कि पक्का वाला आता है, वो एकदम कम ही लगाऊंगी क्योंकि गांव जाना है तो ज़्यादा मेकअप वगैरह नहीं करती हूँ। तो ये है मेरा फाइनल लुक, एंड अब चली जाऊँगी मैं नीचे। तो इधर मैं ये सूट पहन कर ही आई थी क्योंकि दूर का सफ़र है और बच्चा भी है, तो इसीलिए। तो इधर आ गई थी मैं अपने गांव में, तो गांव की क्लिप ज़्यादा नहीं डाल पाई हूँ। तो मेरे भाई ने बाइक निकलवाई थी तो उसका पूजन था, तो मैंने सोचा ये भी डाल देती हूँ। फिर हमारे यहाँ पे बाइक वगैरह कुछ निकलवाते हैं तो उसका पूजन करते हैं, तो मैं यहाँ पर कर रही थी पूजन, जो कि आप लोग देख सकते हो। देन और सभी यूट्यूबर से कहना चाहूँगी कि मेरे फ़ोन में रिचार्ज नहीं था इसलिए उनकी वीडियो पर नहीं आ पा रही थी मैं, इसलिए सॉरी। तो अब मैंने कर लिया है रिचार्ज, इसके बाद मैं आप लोगों की वीडियो पर आऊँगी और लाइक शेयर कमेंट भी करूँगी, देन आप लोगों को सपोर्ट भी करूँगी। तो ये जो मेरा है छोटा वाला भाई है, सबसे छोटा वाला, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ऑफ कोर्स यही बोलूँगी लाइक शेयर कमेंट कर देना, तो जो कि आप लोग समझ चुके हो। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, गुड बाय।